राम राम किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की फसल में लगने वाले विभिन्न रस चूसक कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, हमारी भिंडी की फसल में शुरुआती अवस्था से ही उसमें बहुत से रस चूसक कीट लगना शुरू हो जाते हैं, जो पौधों की पत्तियों का रस चूसकर उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। इसके अलावा जब हमारी भिंडी की फसल फल फूल की अवस्था पर होती है, जब उसमें फल बनने लगते हैं, तो उस समय एक रस चूसक कीट जैसे सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि फल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। फल का आकार खराब हो जाता है, जो हमारी फसल की उपज है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो भी खराब हो जाती है, फसल का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है तथा हमें अपनी जो फसल है उसका बाजार मूल्य भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, हमें अपनी फसल में इन सभी रस चूसक कीटों का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी फसल में इन रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए क्या लगाना चाहिए, जिससे कि इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण प्रभावी रूप से हो सके। तो किसान भाइयों, आप इन कीटों की रोकथाम के लिए अपनी भिंडी की फसल में जब आपकी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए, आप सीजेंटा कंपनी के पैगासस, जिसमें डाइफेंथ्रान 50% WP होता है, कीटनाशक का 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और इसके साथ आप एसीटामीप्रेट 20% SP की 15 ग्राम मात्रा को मिलाकर अपनी फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कम से कम 2 बार करना है। जो मैंने आपको ये स्प्रे बताया, ये आपको अपनी फसल में कम से कम 2 बार करना है 10 से 15 दिनों के अंतर पर। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी भिंडी की फसल में कोई भी रस चूसक कीट देखने को नहीं मिलेगा और आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं हरी भरी रहेगी तथा जो फलों का आकार एवं उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी बनी रहेगी।